हेलो एंड वेलकम दोस्तों, क्या घर में निक्की रही है कन्फर्म्ड? जी हाँ, इस बात को जानने के लिए फ्रेशर्स में मची है हलचल। वेल दोस्तों, बिग बॉस के घर में टास्क और ड्यूटी को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। घर में सीनियर्स और फ्रेशर्स के साथ होने की वजह से सीजन काफी दिलचस्प बन गया है। सभी घर वालों की सुबह रामलीला गाने से होती है और घर में सदस्य एक के बाद एक किचन में चॉपिंग कुकिंग की ड्यूटी को लेकर बातचीत करने लगते हैं। ड्यूटी की चर्चा धीरे धीरे बहस में बदल जाती है और रूबीना दलेख और सिद्धार्थ शुक्ला आपस में भिड़ जाते हैं। रूबीना और अभिनव किचन ड्यूटी को लेकर पूरे घर के खिलाफ हो जाते हैं। अब ये तय होता है कि चॉपिंग करना कुकिंग की ड्यूटी में आएगा। वल जैस्मिन बजीन शहजाद देओल से कहती हैं कि उन्हें निकी तंबोली से नफरत सी हो गई है क्योंकि वो गुरूर में रहती हैं। वो टास्क को लेकर कहती हैं कि आराम से हो सकता था लेकिन उसने फालतू में बवाल कर दिया। इस पर शहजाद कहते हैं कि निकी को एक दो टास्क तो हारने दो, फिर उसे समझ आएगा। वल पवित्र पुनिया का राहुल वैद्य के साथ झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो उनके और जान कुमार सानू के बीच में बोल देते हैं। दोनों की लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। राहुल पवित्रा से कहते हैं कि वो ठीक ठाक खाना बना लेती हैं और उन्हें इज्जत होने लगी है, तो वो घर की दादा मत समझें अपने आप को। राहुल पवित्रा से कहते हैं कि उन्हें लगता है कि वो हीरोइन या विलन है। निशांत मलकानी, जान कुमार सानू और राहुल वैद्य घर में निक नेम रखने लगते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद तीनों बीते हुए टास्क को लेकर भी बातें करते हैं। पवित्र पुनिया बिग बॉस 14 के पहले लग्जरी बजट टास्क को होने के बारे में बताती हैं। लग्जरी बजट टास्क में राहुल वैद्य जान कुमार सानू गाना शुरू कर देते हैं और इन दोनों की गायकी घर वालों को जज करनी होती है। सभी घर वाले दोनों के गाने सुनकर रोमांटिक मूड में आ जाते हैं। जान निकी तंबोली के लिए गाना भी गाते हैं। टास्क का समय ख़त्म हो जाता है और जान की महफिल में ज़्यादा लोग होते हैं और इस तरह से जान टास्क जीत जाते हैं। बिग बॉस कहते हैं कि निकी तंबोली को कंफर्म सदस्य रहने दिया जाए या बाकी फ्रेशर्स की तरह उन्हें भी फ्रेशर का टैग दे दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि इसका फैसला घर के फ्रेशर्स लेंगे और ये फैसला आपसी सहमति से होना चाहिए। इसके बाद निकी तंबोली सदस्यों के साथ चर्चा करती हैं कि वो कंफर्म सदस्य रहें या नहीं। घर वाले तय नहीं कर पाते हैं कि निकी को लेकर क्या कहा जाए। दरअसल निकी को लेकर फ्रेशर दो धड़ों में बट गए हैं। रूबीना दलेख नाराज़ हो जाती हैं क्योंकि घर वाले निकी तंबोली का साथ देते हैं, निकी को कंफर्म सदस्य रहने देते हैं या नहीं। इस पर चर्चा करते हुए कुछ घर वाले आपस में ही झगड़ने लगते हैं। बिग बॉस घर वालों का फैसला जानने का इंतजार करते हैं लेकिन कुछ भी फैसला सामने नहीं आता है। घर वाले अभी भी एक दूसरे से चर्चा करते रहते हैं। वहीं निकी तंबोली जान कुमार सानू निशांत मलकानी से अपसेट हो जाती हैं क्योंकि दोनों ने उन्हें गाइड नहीं किया है। इस तरह से निकी और जान के बीच में भी दोस्ती में दरार आ जाती है। वेल दोस्तों, इस बिग बॉस के घर में अभी क्या क्या देखना बाकी है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये शो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन।